जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक और इम्पोर्टेंट वीडियोस में। बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम क्या देखेंगे दोस्तों, देखिए आपके बीएड फर्स्ट ईयर के साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट में एक सवाल पूछा जाता है विकास की क्रमागत अवस्थाओं के बारे में। इसमें सवाल जैसे क्या पूछेगा, जो चार स्टेजेस हैं उसमें मुख्यतः तीन जो स्टेजेस हैं जैसे इन्फेंसी, एडोलसेंस और चाइल्डहुड, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो आपसे सवाल ये पूछ देगा कि इससे आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करिए या इनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या इसमें होने वाले विकास का वर्णन करिए। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाता है। एक सवाल आता है पिछले परीक्षाओं के अनुभव पर अगर बात करेंगे तो अक्सर आपसे एक सवाल इससे संबंधित पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इसी टॉपिक को देखेंगे कि मानव विकास की अवस्थाएँ और उसके कुछ विशेषताएँ देखेंगे। जो तीन जो अवस्थाएँ हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसको हम जानेंगे। और लास्ट में हम एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है, वृद्धि और विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये चीज़ें क्या होती है, इसको भी देख लेंगे एक शॉर्ट वीडियोस में, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, समझ में आ जाए, फिर आप उसको एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। देखिए, शुरू करने से पहले एक मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपके घर में कोई ऐसे छोटे बच्चे हैं, जैसे आपके कजन्स हो सकते हैं, छोटे भाई बहन हो सकते हैं, भतीजे भतीजियाँ हो सकती हैं या भांजे भांजियाँ हो सकती हैं। क्योंकि अगर वो हो आपके पास और आपको ऐसा पसंद हो बच्चों के साथ खेलना, तो इस चीज़ों को आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। मानव विकास की अवस्थाओं की बात करें तो देखिए, पहले थोड़ा हल्का फुल्का जान लेते हैं विकास के बारे में। तो मनुष्य में जो डेवलपमेंट होता है वो पूरी जीवन चलती रहती है। डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं, विकास की हम बात करते हैं, तो ये कोई भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए उसका शारीरिक विकास नहीं, जैसे मान लीजिए एक समय के बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी, ये फैक्ट है। एक समय के बाद हम बहुत मोटे नहीं होंगे, हमारा बॉडी जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। लेकिन हमारा जो विकास होना है, हम सोचने का तरीका, हमारे भाषा का विकास, हम दिन प्रतिदिन, जैसे मान लीजिए अगर आप हिंदी ही बोल रहे हैं या इंग्लिश ही बोल रहे हैं, तो उस लैंग्वेज में और अच्छाई आते लगता है और उसको विकास होने लगती है। साथ ही साथ हम और समाज से जुड़ने लगते हैं, सामाजिक व्यक्ति बन जाते हैं। चाहे आपकी सोच की बात हो, चाहे आपका इमोशन हो, वो धीरे धीरे हमेशा बढ़ता रहता है, तो उसकी विकास निरंतर होती रहती है, ठीक है। तो अवस्था, क्रमागत अवस्थाओं की जब बात करते हैं तो ये कुछ चरण में होते हैं, ऐसा नहीं कि इकट्ठे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है तो वो डायरेक्ट वृद्धावस्था या फिर किशोरावस्था में नहीं आ सकता, उसकी एक क्रम होती है, उसी क्रम में उसका विकास होता है। और वास्तव में इसी प्रक्रिया को, इसी क्रम में होने वाले विकास को क्रमागत विकास कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा है तो वो जब शैशवावस्था में पहुंचेगा, 0 से 2 साल में पहुंचेगा, तो स्पेसिफिक कुछ उसका डेवलपमेंट होगा। 0 से 2 साल या फिर 2 से 12 साल के बच्चे में वयस्क वाली वो सोच नहीं आ पाएगी, एक निश्चित क्रम में विकास होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्रमागत विशेषताओं के बारे में आप शुरू कैसे करेंगे और लिखेंगे कैसे। देखिए, मानव का विकास एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं। जहां तक उसकी शारीरिक वृद्धि की बात हो तो वह एक सीमा तक, मतलब जब तक बच्चा परिपक्व नहीं होता तब तक चलता है। लेकिन अब उसका जो मनोशारीरिक क्रियाएं हैं वो विकास निरंतर होती रहती है। उसके साथ ही उसकी मानसिक, भाषिक, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास निरंतर होता रहता है। वो क्या होता है, हमेशा होता है। तो यह सब विकास विभिन्न आयु स्तरों पर भिन्न होता है, हर एक उम्र में, हर एक एज में अलग अलग होगा, ठीक है। इन्हीं आयु स्तरों को मानव के विकास की अवस्थाएं कहते हैं। इसी उम्र के हिसाब से होने वाली उनके विकास को क्या कहते हैं दोस्तों, इनको कहते हैं क्रमागत विकास को अवस्थाएं कहते हैं, इनको अवस्था कहते हैं कि चलो भाई ऐसे अवस्था, वाले अवस्था। अभी कितने तरीके के होते हैं, देखो हम अक्सर हम मानते हैं, जैसे कि पहला तो बच्चा जब अभी गर्भ में है, अभी वो पैदा नहीं हुआ, अभी वो दुनिया में नहीं है, तो गर्भावस्था, जब बच्चे का गर्भधारण होता है। उसके बाद जब होता है जन्म से 5 साल, शैशवावस्था, ये माना जाता है, ये कोई संस्कृति नहीं है, लोग मानते हैं। अभी हम आगे इस पर बात करें, 5 से 12 साल बाल्यावस्था, 12 से 18 साल किशोरावस्था, और 18 से 25 तक युवावस्था, मतलब एकदम नौजवान, और 25 से 55 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था, और 55 से आगे उसकी क्या होती है, वर्षों की मृत्यु तक क्या होता है, उसको वृद्धावस्था कहते हैं, कि चलो बूढ़ा हो गए। तो ये जो थॉट है वो भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने माना कि विकास की 7 कालों में होती है, 7 अवस्थाओं में होती है, ठीक है। भारत में आज मनुष्य को इन्हीं 7 कालों में विभाजित करके देखा जाता है और समझा जाता है, ठीक। एक तो बच्चा अभी बच्चा आया नहीं, दूसरा जन्म से 5 साल तक अभी छोटा बच्चा है, 5 से बड़ा हो गया तो उसको बाल्यावस्था, फिर उससे बड़ा हो गया किशोरावस्था, फिर नौजवान ना युवा एकदम, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर उसके बाद वृद्धावस्था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वास्तव में आपको जो पढ़ना है, जो मनोवैज्ञानिकों ने माना है, वो इन 4 अवस्थाओं में, इन 4 अवस्थाओं में विशेष करके 3 अवस्थाएं, ठीक है।
तो मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास की अवस्थाओं को निम्नलिखित चार अवस्थाओं में विभाजित किया। इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास के अध्ययन में इन्हीं चार अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं, इन्हीं चार अवस्थाओं के अंतर्गत किया जाता है। इसमें भी विकास की तीन अवस्थाएं प्रमुख है। जैसे पहला क्या है, शैशव अवस्था। शैशव अवस्था मतलब 0 से 2 साल के अंदर, ठीक, 0 से 2 साल के अंदर। आप चूंकि आप बीएड कर रहे हैं, आप टीचर से रिलेटेड हैं, तो आपको गर्भावस्था के बारे में पढ़ा के क्या फायदा, क्योंकि उसमें तो कोई शैक्षिक संबंधित विकास नहीं होता, एजुकेशन से रिलेटेड कोई उसमें विकास नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए शैशव अवस्था से विकास शुरू हो जाता है, खासतौर पर पढ़ाने का, पढ़ने का, समझने का। तो यहां से आपको पढ़ना है, शैशव अवस्था हो गया। दूसरा बाल्यावस्था मतलब 3 से 12 साल, और तीसरा किशोरावस्था 12 से 18 साल, और वयस्कावस्था 18 के बाद लड़का इतना समझदार हो सकता है कि वो खुद से समझे चीज़ों को, उसको वहाँ से वो खुद बहुत ज़्यादा समझदार हो जाए, ठीक है। तो इन्हीं तीन के बारे में पढ़ना है आपको, और इन्हीं तीन ही के बारे में पूछता है अक्सर सवाल में, ऐसे पूछ देगा कि शैशवावस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएँ बताइए, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएँ बताइए, और किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएँ बताइए। इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए वन बाई वन करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं शैशव अवस्था की, शैशव अवस्था को कुछ लोग 0 से 2 साल मानते हैं, कुछ लोग 0 से 3 साल तक मानते हैं, ठीक। तो ये जो है दोस्तों, आपके भविष्य के जीवन की आधारशीलता होती है, क्योंकि यहीं से बच्चे का आधार बनता है, यहीं से बच्चे के पूरे विकास का निर्माण होता है। अब मान लीजिए इस अवस्था में किसी बच्चे का हाथ टूट गया, या फिर हाथ बैंड हो गया, या फिर पैर टूट गया, तो फिर वो उसी आधार पर वो आगे वृद्धि हुई। किसी के सर पे चोट लग गई तो मानसिक संतुलन खराब हो सकता है। तो इसीलिए ये दोस्तों, ये जो होता है वो बहुत निर्णायक होता है इस आगे के विकास के लिए, आधारशील माना जाता है। गुडेन के शब्दों में, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। एल्डर्स के मत से बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही सुनिश्चित किया जा सकता है कि वो जीवन में उसका स्थान क्या होगा, कितना समझदार है, कैसे कहते हैं ना कि पता नहीं क्या कि पालने में दिख जाते हैं तो पूत के पांव, ऐसे कुछ होता है। तो मतलब काफी ये आधारशील माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस अवस्था के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। ये अवस्था बालक के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। जन्म के बाद 2 सप्ताह तक शिशु अपनी बाहरी वातावरण से पूर्व समझ स्थापित कर लेता है। जैसे वो बाहरी वातावरण से, ये हवा है, ये पेड़ है, मम्मी पापा, ऐसे वो उनका कनेक्शन शुरू हो जाता है। इस अवधि के अंतर्गत विकास की गति बहुत कम होती है शुरू के कुछ हफ्तों में, लेकिन 2 सप्ताह के बाद शिशु के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है। जैसे कोई बच्चा हुआ 2 हफ्ते तक आपने देखा, फिर 1 साल बाद आके देखिए, अरे तो काफी चेंजेस आ जाएंगे बहुत जल्दी। इस अवधि में बालक संवेदी तथा मांसपेशी कौशल का विकास होता है। संवेदी या मांसपेशीय कौशल का वो देख के, सुन के, समझ के, महसूस करके इस तरह के सीखते हैं। 2 वर्ष के अंत तक बच्चा पर्याप्त मात्रा में क्रियात्मक कौशलों का विकास हो जाता है। 2 साल के अंत में जैसे चलना, उठना, बैठ, चलना मतलब दौड़ना नहीं लगना, मतलब हल्का सा चलना शुरू कर देना, बैठना, ये सारी चीज़ें क्या होता है, शुरू होता है। इस अवस्था के दौरान बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित होता है। अगर उसको भूख लगी तो रोएगा, ठीक है, अगर उसको कहीं जाना हो तो दूसरों के साथ सजाएगा, तो वो दूसरे पर आश्रित होता है। परिणाम स्वरूप वह उठने, बैठने, खेलने, चलने जैसी क्रियाओं को शुरू कर लेता है, उसमें शुरू हो जाती है। ये विशेषताएं कब तक हो गई, 0 से 2 साल के बीच में। अच्छा, 0 से 2 साल के बीच में शैक्षिक कुछ बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाता। 0 से 2 साल के बीच में आप उसको पढ़ाने नहीं लगते, आप उसको चीज़ें हल्का फुल्का वो सीखता है वातावरण से, अनुकूलन करके, महसूस करके, संवेदी गामत मतलब छू के, स्पर्श करके, देख के, इसी तरीके से वो बच्चा क्या करता है, सीखता है। चलिए अब यहाँ से अगला पॉइंट आता है कि बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बारे में देखते हैं कि बाल्यावस्था में क्या होता है, और बाल्यावस्था में उसकी क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या विकास होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो बाल्यावस्था की बात करें दोस्तों, तो बाल्यावस्था को कब से कब माना जाता है, बाल्यावस्था को माना जाता है 2 साल के मतलब 2 साल के बाद 3 से 12 साल तक की बाल्यावस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। इसको भी 2 तरीके से डिवाइड कर दिया, पहला प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक का मतलब जैसे 3 के बाद से शुरू होना है 2 से 12, तो 6 साल तक प्रारंभिक, और 6 साल के बाद उसकी उत्तर बाल्यावस्था शुरू हो जाएगी। शुरू वाले में देख लेते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है। इस अवस्था को 2 से 6 वर्ष तक चलती है। इसे शिक्षकों द्वारा प्रकाश स्कूल अवस्था, प्री स्कूल एज, या फिर प्रॉक्टोली अवस्था, यानी कि पेरगेंज प्री गेंग, ओके सॉरी प्री गेंग अवस्था कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्री गेंग अवस्था कहते हैं। ये कब से होता है, 0 से 2 साल तक। अब यहाँ पर शिक्षकों द्वारा इसको प्री स्कूल एज कहा जाता है, मतलब स्कूल से पहले की अवस्था, 2 से 6 साल, स्कूल आने से पहले उसकी जो तैयारी करनी है वो अवस्था होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था एक समस्यात्मक अवस्था होती है, इसमें बड़े ज्यादा चैलेंजेस आते हैं खासतौर पर माता पिता के ऊपर। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों की अभिरुचि खिलौने से अधिक होती है। अब 3 साल से 6 साल का बच्चा खिलौने से ज़्यादा खेलेगा।
प्रारंभिक बाल अवस्था को शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय बताया गया है, आप तैयारी करिए। अब इस समय के शिक्षक का मतलब माता पिता, माता पिता उसकी तैयारी कराएं, स्कूल भेजने से पहले उसको जो सिखाना है सिखाएं। प्रारंभिक बाल अवस्था में बालकों में उत्सुकता अधिक होती है, ठीक है, नई गाड़ी देखेंगे तो उनको भी जाना है, ड्रेस पहनना है, घर में ही वो बैग लेकर टहलते रहेंगे तो उसमें उत्सुकता बहुत होती है। प्रारंभिक बाल अवस्था में अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक तीव्र होती है, वो देख के नकल करना, जैसे बोलो वैसे करना, इसकी प्रवृत्ति उनकी अधिक होती है। प्रारंभिक बाल अवस्था मतलब 2 से 6 साल, 3 से 6 साल भी माना जाता है, मतलब 2 के बाद। उत्तर बाल अवस्था मतलब 6 के बाद से बालिकाओं में 10 वर्ष तक उम्र तथा बालकों में 12 वर्ष की उम्र तक होती है, उत्तर बाल अवस्था। ओके, आप 6 से 12 लिखिएगा, ऐसे बालक बालक करेंगे तो 6 से 12 साल मान लीजिए। सही, यह अवस्था होती है जहां बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में माता पिता, शिक्षकों तथा अन्य वैज्ञानिकों द्वारा उत्पत्ति अवस्था, इसको उत्पत्ति अवस्था, प्रारंभिक स्कूल अवस्था एलिमेंट्री स्कूल एज, और गिरोह अवस्था गैंग एज कहा गया है। इस अवस्था को गैंग एज कहा गया है। प्राथमिक स्कूल अवस्था प्री स्कूल एज कहा गया है, सॉरी एलिमेंट्री स्कूल एज कहा गया है, और इसको दोस्तों उत्पत्ति अवस्था कहा गया है। यहाँ से आपका भविष्य में निर्माण होने वाला है, आपकी यहाँ से शिक्षा शुरू होने वाली है, ठीक। इस अवस्था में बालकों का महत्वपूर्ण शारीरिक विकास, भाषा का विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास शुरू हो जाता है। अच्छा, ये पढ़ाने के लिए खास वजह यह है कि जब आपको बच्चा 6 से 12 साल का कोई बच्चा मिले आपको पढ़ाने के लिए, तो याद रखिएगा अब आप उसके दिमाग में जो भर देंगे ना, वो पूरे भविष्य में उसी दिशा में सोचेगा, उस तरीके से ही सोचेगा। अगर आप उसके दिमाग में भरते हैं कि लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, एक अच्छा स्वाभाविक इंसान बनना है, एक झूठ नहीं बोलना है, तो वो उसी अवस्था में चला जाएगा। और कोई ये भर दे कि अरे जाओ मार के आओ, ये कर के आओ, तो वो उस अवस्था की तरफ जुड़ जाता है। खेल की भावना अगर उसके दिमाग में भरती है तो वो खेल की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा हो जाता है। तो ये अवस्था बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए इसको उत्पत्ति की अवस्था कहा गया है, ठीक, 6 से 12 साल, जिसको उत्तर बाल अवस्था कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें, इसकी विशेषताएं, उत्तर बाल अवस्था को माता पिता द्वारा एक उत्पत्ति या उद्यमी अवस्था भी कहा जाता है, मतलब उछल कूद करने वाली अवस्था भी होती है। उत्तर बाल अवस्था में दोस्तों, उत्तर बाल अवस्था में बालक अपने उम्र के साथियों के समूह द्वारा स्वीकृति प्राण में काफी लयलित, काफी मतलब उनका जुड़ाव रहता है, मतलब गैंग एज होता है, अपने उम्र के बच्चों में ज्यादा खेलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ की जो अवस्था होती है ना, उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। आप देखिए 6 से 12 साल लड़का लड़की सब एक साथ खेल रहे होते हैं, तो ये बड़ा अच्छी बात है। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में सृजनात्मक क्रियाओं की ओर अधिक झुकाव होता है, क्रिएटिविटी, वो देखेंगे ना कुछ बैठ के बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, अपना कुछ ट्रेन चला रहे हैं, कुछ जहाज उड़ा रहे हैं, पानी की जहाज जो भी हो, तो उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट देख लेते हैं, किशोर अवस्था, मतलब देखिए सिंपल सी एक बात, ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको आपको नहीं पता, आप सब जानते हैं, घर में देखा है आपने, खासतौर पर हम लोग ऐसे परिवार से जुड़े रहते हैं जहाँ पे सब लोग साथ में रहते हैं, तो ये इन सारी चीज़ों को आपने देखा है, समझा है, बस एक बार देख लीजिए कि एग्जाम में कैसे पॉइंट आपको पॉइंट बनाना है, बस तो काम हो गया, बात खत्म। किशोरावस्था की बात कर लेते हैं दोस्तों, किशोरावस्था मतलब तूफान की अवस्था, ठीक है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को अधिक महत्वपूर्ण अवस्था बताया है, ठीक, क्योंकि किशोर बच्चा बड़ा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप उसको मार भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते, हालांकि अभी भी बच्चे पिट जाते हैं, और अधिकतर शिक्षक इस बात से सहमत है कि उन्हें अपने शिक्षण कार्य में सबसे अधिक चुनौती इसी अवस्था के शिक्षार्थियों में प्राप्त होता है। जो टीचर होते हैं ना, उनको सबसे बड़ा चैलेंज इसी एज के बच्चों को पढ़ाने की होता है। किशोरावस्था 13 साल से 18 साल तक होती है, 12 से 18 मान लीजिए प्रारंभ होकर 19 से 20 साल तक मान सकते हैं, मतलब 18 परफेक्ट है, 18 के बाद वो किशोर बन जाता है, ठीक है, और इसके बाद 20 साल तक की होती है। इस तरह से इस अवधि को तरुणा अवस्था, प्राक किशोरावस्था, मतलब इसमें प्री एडोलेसेंस, मतलब प्राक किशोरावस्था और किशोरावस्था और लेटर किशोरावस्था, मतलब किशोरावस्था को 3 भागों में इसमें बांट दिया है, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों किशोरावस्था की, मतलब कहने का मतलब है कि 12 से लेकर 18 साल तक की अवस्था। अब इस अवस्था में शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौती होती है, इस अवस्था में बच्चे प्रश्न ज्यादा करते हैं, इस अवस्था में बच्चे एडोलेसेंस की बात करें, अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, फिर यहाँ पे और ज्यादा समझ में आ जाएगा। इस एज में दोस्तों किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। किशोरावस्था एक परिवर्तित अवस्था होती है, यहाँ से बच्चा चेंज हो जाता है, टोटली चेंज हो जाएगा, अब पहले बच्चा था, अब यहाँ से वयस्क बनने वाला है, तो टोटली चेंज। किशोरावस्था में एक अस्पष्ट व्यक्तित्व की स्थिति होती है, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है अपने करियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर और किसी थॉट को लेकर, तो ये एक अस्पष्ट व्यक्तित्व व्यक्तिगत स्थिति भी होती है कि हमें क्या करना है कैसे। तो इस अच्छा इस अवस्था में बच्चे सोचते भी ज़्यादा है और इस अवस्था में बच्चे बोलते भी ज़्यादा है, डिबेट करना या फिर कोई आप कुछ बात कहें तो उसको अपोज करना, ये सब चीज़, और उनको लगता है कि इस अवस्था में बच्चों को बांध के रखा जाए। किशोरावस्था एक समस्या की उम्र होता है,
किशोरावस्था विशिष्टता की खोज का समय होता है। स्पेशल चीजों को खोज करना, सोचना, मतलब सेवियर होना, ये ज्यादा ज्यादा बच्चों को पसंद है। किशोरावस्था अवास्तविकताओं का समय होता है। किशोरावस्था वयस्कावस्था की दहलीज होती है। यहाँ के बाद बच्चा वयस्क होने शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक बात हुई किशोरावस्था की। किशोरावस्था की पढ़ाई की बात करें तो वो एक स्ट्रीम हुआ, एक शाखा चुन लेता है जिसको आगे कहाँ पढ़ना है। किशोरावस्था में बच्चा इतना परिपक्व हो सकता है कि वो अपने आगे की पढ़ाई के बारे में सोच सके। किशोरावस्था एक परिवर्तित अवस्था है जहाँ पे उसे भविष्य में आगे क्या करना है उसका निर्णय लेता है। ठीक है, चलिए तो बस ये यही था, छोटे छोटे पॉइंट थे। इसी तरीके से आपको पॉइंट बना के खुद से लिख लेना है। कोई बहुत डिफिकल्ट या बहुत मुश्किल की चीज़ नहीं थी, ये बहुत आसान था, ये आप इसको समझते हैं। एक छोटा सा और पॉइंट देख लेते हैं फिर उसको इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। वो है दोस्तों, वृद्धि और विकास क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। अक्सर इससे भी सवाल पूछ लेता है, तो छोटे से पॉइंट में आइए इसको देख लेते हैं फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, अभिवृद्धि या वृद्धि का मतलब ग्रोथ की जब बात की जाए तो जैसा आपने मैंने बताया कि ग्रोथ का मतलब कोई ऐसा ग्रोथ, ऐसी चीजें जिसको आप नाप सके, माप सके, देख सके। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे की हाइट बढ़ गई या उसके उसका वजन बढ़ गया, तो ये चीजें आप नाप सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा पहले कम बोलता था अब ज्यादा बोलने लगा, कम सोचता था अब ज्यादा सोचने लगा, पहले कम सामाजिक था अब ज्यादा सामाजिक हो गया, इन चीजों को आप नाप तोल नहीं सकते। तो ये विकास होती है। वृद्धि का मतलब जैसे उसकी उम्र में, उस उम्र की वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि, इस तरीके की चीजों को जो आप नाप सकते हैं, माप सकते हैं। कहने का मुख्य जो अंतर है वो ये है। और जो विकास है दोस्तों, विकास तो निरंतर होता रहता है। वृद्धि जो है, वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। एक उम्र के बाद आपकी हाइट बननी बंद पड़ गई, आपका वेट भी जो है दोस्तों वो स्थिर हो जाता है। तो वृद्धि और विकास दोनों शब्द प्रायः जो हमें एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसमें कुछ अंतर है। क्या है अंतर? देखिए, जो वृद्धि है दोस्तों उसका सामान्यतः जो शरीर और अंगों के भार या आकार में वृद्धि से लिया जाता है। वृद्धि को नापा तोला जा सकता है। तो जो वृद्धि है उसको नापा तोला जा सकता है। वृद्धि का जो मुख्यता है जो है, इसका संबंध शरीर के और अंगों के भार और आकार और आकृति से लिया जाता है। ये हो गई बात वृद्धि। विकास की बात करें दोस्तों, अगर हम उदाहरण की देख लीजिए, ऊंचाई, भार, चौड़ाई, हाथ पैर का बढ़ना, बालों का बढ़ना आदि क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाती है। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरी तरफ विकास की बात करें, विकास का मतलब, डेवलपमेंट का मतलब, विकास का संबंध डेफिनेटली वृद्धि से है। जैसे जैसे बच्चे की वृद्धि होगी, ग्रोथ होगा, वैसे वैसे बच्चे का डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पे आप समझिए, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का वेट बढ़ गया, हाइट बढ़ गई, तो ओवरऑल ये शारीरिक विकास हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? शारीरिक विकास हो गया। तो वृद्धि का ये विशेष रूप है। वृद्धि जैसे जैसे होगी, विकास भी बच्चे का होता ही रहता है। तो ये दोनों से अलग नहीं है, लेकिन एक समय के बाद अगर वृद्धि रुक भी जाए तब भी विकास होता है। ठीक है, तो विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, या विकास के अंगों के परिवर्तन का विशेष रूप व्यक्त करता है, एक विशेष रूप व्यक्त करेगा। जैसे बॉडी में मान लीजिए, मैंने जैसे बताया ना कि उसके हाथ की लंबाई या फिर पैर की लंबाई, उसकी लंबाई बढ़ना, उसका वजन बढ़ना, उसका आकार बढ़ना, ये सारी चीज़ों का बढ़ना उसका शारीरिक विकास हो गया। ओके, तो ये हो गए दोस्तों विकास के बारे में। विकास को कुछ और अगर एक्सप्लेन करें, विकास एक निश्चित दिशा होती है और वो एक निश्चित क्रम में होता है। इसे हम विकास की अवस्थाएं भी कहते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था मानव विकास की क्रामिक अवस्थाएं, क्रम, ये इसी क्रम में विकास होगा। बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है। उदाहरण के लिए, बालक की आयु में वृद्धि के साथ साथ उसकी मानसिकता और भावुकता के गुण जन्म लेने लगते हैं। अतः विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक मतलब आप ये मान सकते हैं कि उसका उम्र बढ़ गया, उसके इसमें विकास हो गया, लेकिन गुणात्मक भी होते हैं कि उसके गुण, जिसे उसकी क्वालिटीज होती है, वो भी बदलती जाती है। ठीक, तो ये उसके विकास का गुणात्मक मात्रात्मक दोनों हो गया, ये उसके विकास के बारे में हो गई। ठीक है, अब आइए, जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ेगा वैसे उसकी सोच बढ़ेगी। एक लास्ट पॉइंट देख के इस वीडियो को समाप्त करेंगे, वो लास्ट पॉइंट है आपके, अभिवृद्धि और विकास में अंतर। इन दोनों में अंतर क्या है? जो आपने समझा बस वही, एक तरफ वृद्धि और एक तरफ विकास। वृद्धि जो है दोस्तों वो बाह्य रूप होता है, आप बच्चे को देख सकते हैं। विकास जो होता है वो आंतरिक होता है, उसके मन का विकास हो गया, उसके शारीरिक विकास, तो ये एक आंतरिक प्रक्रिया है। अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाता है, जबकि विकास जीवन प्रयत्न चलता है। अभिवृद्धि का जो संकुचित है, तो अर्थ संकुचित है, यह विकास के अवयव में से ही एक है, विकास में से ही एक है, जबकि विकास का अर्थ व्यापक है। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, सामाजिक, सर्वात्मक विकास भी होता है। वृद्धि का अर्थ थोड़ा सा लिमिटेड है, जबकि डेवलपमेंट विकास का क्या है? विस्तृत है। अभिवृद्धि कोई निश्चित दिशा में नहीं होती। अभी जो अभिवृद्धि है, जो बढ़ना है, वो कोई निश्चित दिशा में नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे की अगर हाइट बढ़ रही है तो उसका वेट भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। कुछ बच्चे पतले होते हैं और हाइट तो बढ़ जाती है लेकिन वेट नहीं बढ़ता, तो ये कोई निश्चित दिशा नहीं होती। विकास एक निश्चित दिशा में होती है। अभिवृद्धि कोई लक्ष्य नहीं होता। अभिवृद्धि कोई लक्ष्य नहीं होता कि हमें
अभी हम यहाँ हैं, हम सीधे 7 फुट के हो जाएंगे, या फिर कोई लक्ष्य नहीं है, वो अपने आप होता रहता है। जबकि विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होगा, आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, क्या बनना, तो एक लक्ष्य आप उसको निर्धारित कर सकते हैं। ठीक, अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, जबकि विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, चलिए, अभिवृद्धि को सीधे आप माप सकते हैं, जैसे ऊंचाई भार को सीधे माप सकते हैं, जबकि विकास का संपूर्ण पक्ष होने वाला परिवर्तन है, संपूर्ण पक्ष होने वाला, विकास को बहुत हद तक आप माप नहीं सकते। तो बस इस वीडियो को हम यही समाप्त कर लेते हैं। एक और पॉइंट देख लीजिए, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बस यूं समझ लीजिए कि एक स्पेशल गिफ्ट हो जाएगा आपके लिए। वो है दोस्तों, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो आपके विकास को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, मानव विकास तथा व्यवहार का अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से दो प्रमुख कारकों का ध्यान आता है, जैसे प्रथम जन्मजात या प्राकृतिक प्रभाव तथा दूसरा जन्म के उपरांत या प्रभावित करने वाले बाह्य कारक। किसी बच्चे के विकास में दो प्रमुख कारण हैं, एक तो प्राकृतिक कारण हो गया, दूसरा उसके बाह्य कारण हो गया। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्राकृतिक कारकों तथा पर्यावरण का पोषण संबंधित कारकों से होती है। व्यक्तिगत जो हमारी इंडिविजुअल डिफरेंस है, कुछ बच्चा पढ़ने बहुत तेज होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, इसके दोनों कारक हो सकते हैं, हो सकता है कोई प्राकृतिक कारण हो सकता है कोई बाह्य कारक हो। ठीक, पॉइंट को देख लेंगे, उससे पहले जन्म से संबंधित बातों को वंशानुक्रम एवं समाज से संबंधित बातों को वातावरण कहते हैं। जन्म से संबंधित, किसी बच्चे का जन्म से ही अगर ऐसा है तो वो वंशानुक्रम हो गया, और बाद में अगर चीजें उसने ऐसे अडॉप्ट करी तो वो वातावरण कारक हो गया। इसे प्राकृतिक तथा पोषण भी कहा जाता है। वुडवर्ड का कथन है कि पौधों का वंशानुक्रम उसके बीज में निहित है और उसका पोषण का दायित्व तो उसके वातावरण पे है। एक फल जो है दोस्तों, वो जो पौधा है उसकी बीज कैसी है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, लेकिन बाद में उसका फल कैसे होगा वो वातावरण पे भी डिपेंड करता है। तो इस प्रकार विकास को निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित कर लेते हैं। ये वो कारक है, ये वो फैक्टर है जो विकास को प्रभावित करते हैं, डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला क्या है दोस्तों, पहला है आपका वंशानुक्रम। तो आपने देखा दोस्तों, हेरिडिटी वंशानुक्रम जो है ये भी क्या करता है, बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। ठीक, वैज्ञानिक रूप से वंशानुक्रम एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, और ये क्या करता है, आपको प्रभावित करता है। जीव विज्ञान के नियमों के अनुसार एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी के कुछ गुण हस्तांतरित हो जाते हैं। पूर्वजों के इस हस्तांतरित किए गए शारीरिक और मानसिक लक्षणों को मिश्रित रूप से ही वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता, अनुवांशिकता आदि कहलाता है। माँ बाप के, दादा दादी के जो बायोलॉजिकल जो उनकी जो क्वालिटीज है हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाना, इसी को वंशानुक्रम कह लीजिए, वंश परंपरा कह लीजिए, या पैतृकता या अनुवांशिकता कह लीजिए। तो ये दोस्तों क्या करता है, बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। ओके, अतः स्पष्ट है कि वंशानुक्रम माता पिता एवं अन्य पूर्वजों से संतानों में प्राप्त होने वाले गुण हैं, जिसमें शारीरिक मानसिक व्यवहारिक गुण सम्मिलित हो सकते हैं। कंप्लीटली नहीं, ऐसा नहीं कि पापा जी अगर या फिर दादाजी बहुत सामाजिक व्यक्ति थे तो बच्चा भी सामाजिक होगा, नहीं ऐसा नहीं है, वो गुंडा भी बन सकता है। लेकिन दोस्तों बहुत हद तक वंशानुक्रम या पारिवारिक ऐसी चीज होती है कि आप अक्सर देखेंगे कि वो शांत स्वभाव के होते हैं। अगर क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट है तो बच्चे का भी इंटरेस्ट, बिजनेस में तो बिजनेस में, गवर्नमेंट जॉब तो इस तरीके से एक आप देखेंगे जो उनका विकास होना है उसमें अनुवांशिकता की बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ी रोल प्ले करती है उनकी अनुवांशिकता। अब दोस्तों, बालकों के व्यक्तित्व में प्राकृतिक पौधों में वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मूल शक्तियों पर प्रभाव, बालक के मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका अनुवांशिकता है। बच्चा कितना मजबूत होगा, कितना तेज होगा, कितना ताकतवर होगा, ये बहुत हद तक दोस्तों डिपेंड करता है उनके अनुवांशिकता पर। अब कुछ और कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, वातावरण। वातावरण दोस्तों, वातावरण मान लीजिए जैसे हमारा हमारा भारत का जो वातावरण है, उसमें आपको हर सर्दी गर्मी बरसात हर चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा अगर अन्य देशों की बात करें, जैसे सूडान की बात कर लीजिए, नाइजीरिया की बात कर लीजिए, तो यहाँ पे वर्ग विशेष इनकी जो शारीरिक विकास देखेंगे या इनके कलर देखेंगे वो एक समान होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वहाँ गर्मी ज़्यादा हो। अफ्रीका कंट्रीज में चले जाएंगे, वहाँ पे भी गर्मी ज़्यादा हो। ठीक है, अगर कहीं और देश में जाएं जहाँ सर, जैसे कश्मीर देख लीजिए, वहाँ ठंडी ज़्यादा है, तो वहाँ के लोगों की अलग बनावट है। तो वातावरण क्या करता है दोस्तों, विकास को प्रभावित करता है। भोजन दोस्तों, भोजन भी प्रभावित करता है। बच्चों को अगर प्रॉपर भोजन ना मिले तो वो बच्चे शारीरिक रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। तो भोजन भी क्या है दोस्तों, एक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। पारिवारिक स्थिति, घर का माहौल कैसा है, ये भी विकास को प्रभावित करता है। और दिनचर्या कैसा है, बालक के दिनचर्या कैसे हैं, कितने बजे सो के उठता है, एक्सरसाइज करता है कि नहीं, व्यायाम करता है कि नहीं, ये चीज़ें भी क्या करते हैं दोस्तों, विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक, तो बस इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। इस वीडियो में आपने क्या क्या देखा, इस वीडियो में आपने देखा दोस्तों विकास की क्रमागत अवस्थाओं में तीन जो प्रमुख अवस्थाएं थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में उसकी क्या विशेषताएं हैं, और आपने देखा दोस्तों
वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यह इंपॉर्टेंट था, पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट था, पूरे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इसमें ऐसी कोई नई चीज नहीं है जो आपको बताई गई हो, बहुबी आप इन सारी चीजों से ऑलरेडी जानते हैं, आप अवगत हैं, यू आर वेल फैमिलियर विद ऑल दिस पॉइंट, बट स्टिल आई बिलीव दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली एग्जाम्स में इसे पूछे जाते हैं और मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली इसको करके आ जाएंगे, ठीक है, तो कर लीजिएगा आराम से, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी पॉइंट था, समझ गए, दिमाग में पॉइंट रहेगा तो आप आराम से इसको लिख लेंगे। तो हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, ऐसे मुस्कुराते चेहरों को देखिए ऐसे मुस्कुराते चेहरों से जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, अपने अन्य दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए, उन्हें भी जोड़िए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।